हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के साथ हम शेयर करने वाला हूँ एक के भी 50 वोल्ट से लेकर 290 वोल्ट तक जो वर्क करेगा ऑटोमेटिक स्टेबिलाइजर ट्रांसफार्मर वाइंडिंग डाटा के बारे में। तो एक के भी का स्टेबिलाइजर बनाने के लिए आपको ज़रूरत होगा 4 नंबर कोर की ज़रूरत होगी। उसका जो बॉबिन साइज होगा वो होगा 3 इंच। ये देखिए, ये 3 इंच है। ये जो आपकी आउटपुट मिलेगी ट्रांसफार्मर से आउटपुट मिलेगी वो होगी 230 वोल्ट। चलिए मेन ट्रांसफार्मर में उसके वाइंडिंग कैसे करेगा आप, तो उसके ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के डाटा के बारे में आपको बताता हूँ। कॉमन से आपका स्टार्ट करना होगा यहाँ से लेकर कॉमन से लेकर आपको फास्ट टैपिंग जो निकलेगा वो निकलेगा 155 टर्न पे। इसका जो स्टैंडिंग वायर गेज होगा SWG होगा वो होगा 17 नंबर। और यहाँ से पहले टैपिंग से लेकर जो दूसरी टैपिंग निकलेगा वो निकलेगा 230 टर्न पे। इसका स्टैंडिंग वायर गेज होगा 17 नंबर। और दूसरी से लेकर तीसरी टैपिंग जो आपकी निकलेगा वो निकलेगा आपको 340 टर्न पे। उसका वायर गेज होगा 19। जो चौथी टैपिंग निकलेगा वो निकलेगा 415 टर्न पे। इसका SWG होगा 19। जो पांच वाला जो टैपिंग निकलेगा वो निकलेगा 500 टन पे। इसका SWG होगा 19। यहाँ से जो हमारा सर्किट ऑपरेट करने के लिए जो हमको मेन ट्रांसफार्मर से ट्रांसफार्मर वाइंडिंग कंप्लीट करने के बाद हमको वाइंडिंग करना होगा ये कॉमन से लेकर जो हमारा 12 वोल्ट हमारा जो सर्किट ऑपरेट करने के लिए जो 12 वोल्ट निकलेगा वो निकलेगा 30 टर्न पे आपकी 12 वोल्ट मिलेगी। इसका जो वायर गेज होगा SWG होगा वो होगा 24। ये देखिए, मैंने सारे डाटा इस पर लिख दिया। आप चाहे तो इसी डाटा फॉलो करके आप ट्रांसफार्मर वाइंडिंग कर सकते हो। आप इसी डाटा को आपके पास जो डायरी है उस पर नोट कर लीजिए। ये डाटा फॉलो करके आप बहुत ही आसानी से ट्रांसफार्मर वाइंडिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। आपके वीडियो पसंद आया तो आप ज़रूर लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और दूसरी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलता हूँ दूसरा वीडियो में।